बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू की मौजूदगी में इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। दरअसल इन विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की थी, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। आज शाम को भी आपको बताते हैं, इस पर एक बैठक हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि अमित शाह पर अंतिम निर्णय छोड़ा गया है कि वो कब और कैसे बागी विधायकों को ज्वाइन कराते हैं बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी खींचतान है उस पर भी उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड बीजेपी की बात करें तो 9 बागी विधायक, ये शुरुआत से कहा जा रहा था बीजेपी में शामिल होते हैं, तो इसको लेकर नाराजगी भी है। लेकिन अब कैसे इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, एक बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा बीजेपी उत्तराखंड में खासतौर पर, ये वाकई अहम होगा। भय और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक सामने आए, उन्होंने अपनी विधायकी की भी परवाह नहीं की। आज वे सब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां के संघर्ष में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 10 विधायकों को ज्वाइन करना था, लेकिन श्रीमती रेखा आर्य जी, उनकी स्वीकृति आई है, वो उज्जैन कुंभ में गई हुई है, वह भी हमारे साथ आ रही है। कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ही प्रैग्मैटिक लीडर हैं और अनफ्लिंचिंग उनकी कमिटमेंट है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए। आज उनके नेतृत्व में, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के, उनकी नीतियां देख करके 2 वर्षों की, हम सब ने हमेशा अध्यक्ष जी से मुलाकात करी और हम सबका धन्यवाद करेंगे जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि उन्होंने हम सबको जो है इस जंग में शामिल किया है, जिसमें कि उत्तराखंड में जिस तरह से प्रदूषण नहीं है, वहां से जो राजनीतिक प्रदूषण उसको दूर करना विकास की ओर ले जाए। और बहुत अहम होगा जिस तरीके से अब बीजेपी को उत्तराखंड में बाकी जो लोग हैं उनको कैसे वो शांति है, उनको कैसे वो संतुलित करती है इन बागी विधायकों के बीजेपी का दामन थामने के बाद। इधर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में उत्तराखंड सरकार ने स्टिंग मामले में सीबीआई जांच वापस लेने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव कानूनी रूप से वैध नहीं है, हम पहले की तरह स्टिंग मामले की जांच करेंगे। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर कानून की राय लेगी। हमने भी कानूनविदों से राय लेकर तभी इस पर निर्णय लिया था कि राज्य सरकार को जब प्रारंभिक स्टेज न प्रारंभ हुई हो तो वापस करने का अधिकार है। लेकिन अब सीबीआई ने जिस भी कानून के अंतर्गत निर्णय लिया होगा, ठीक, उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया है, नहीं स्वीकार किया होगा तो कानूनी पहलू को हम देखेंगे और कानूनी लड़ाई भी हो सकती है। तो हाल ही में सियासी संकट से उभरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने एक और नया संकट खड़ा हो गया है। दरअसल हरीश कैबिनेट का विस्तार और राज्यसभा चुनाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 11 जून को होने वाला है। राज्यसभा के चुनाव को प्रभावित ये कर सकता है और इसको देखते हुए कैबिनेट विस्तार को राज्यसभा चुनाव के बाद कराने पर अब जोर दिया जाने लगा है, जबकि मौजूदा समय में सरकार पर मंत्री बनाने का भी बेहद दबाव है। दरअसल कैबिनेट में मौजूदा वक्त में 2 सीटें खाली हैं, लेकिन दावेदारों की काफी लंबी लाइन है। पीडीएफ के भी 6 विधायक साथ में हैं और ऐसे में शायद ये शुरुआती तौर पर समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनको भी संतुष्ट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये चीजें पहले होंगी या फिर बाद में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जीतने वाला तो अभी कांग्रेस की ओर से ही होगा, उन्होंने हाल ही में बहुमत साबित किया है और बहुत दूर तक संभावना नजर नहीं आती कि कांग्रेस के से इतर कोई जीत सकता है। भाजपा के लोग तो ये भी संभावना है कि अपना प्रत्याशी खड़ा ना कर पाए, पीछे भी 2-3 चुनाव ऐसे हुए हैं कि जब उन्होंने अपना प्रत्याशी का नाम ही वापस ले लिया, तो इस बात की पूरी संभावना कि कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव जीतेगा। मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। एक गांव के गरीब किसान जिसको लोग हल्या कहते हैं, हम वो हैं
और मैं इतना सब कुछ जो है कांग्रेस की कृपा से, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस की कृपा से, हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी और उन सब लोगों के, कांग्रेसजनों की कृपा से इतना भी मैं पहुंच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पीडीएफ ने ये मांग उठानी शुरू कर दी है कि हमने कांग्रेस का लगातार बहुत साथ दिया है और अब राज्यसभा की सीट पीडीएफ को दी जाए और निश्चित रूप से खरीद फरोख्त होगी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पांच राज्यों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। किसके हाथ में होगी कमान, कौन पांच साल तक सत्ता को साधते हुए आगे बढ़ेगा, नेतृत्व करेगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर तकरीबन दोपहर तक साफ हो जाएगी। इन विधानसभा चुनावों को देश की सियासत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इन चुनावों के नतीजों का असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित मेगा कार्यक्रम की शुरुआत सहारनपुर से की जाएगी। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए अपना संगठन मजबूत करने पर भी पार्टी ध्यान दे रही है। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटकर उनके क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है। ये क्षेत्र है काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रिज और पश्चिम काशी की। आप बताएं कि काशी की कमान लक्ष्मण आचार्य जबकि गोरखपुर क्षेत्र की कमान उपेंद्र शुक्ला को दी गई है। अवध क्षेत्र मुकुट बिहारी वर्मा और कानपुर बुंदेलखंड मानवेंद्र सिंह के जिम्मे दिया गया है। इसी तरह ब्रिज क्षेत्र बीएल वर्मा और पश्चिम क्षेत्र भूपेंद्र चौधरी के हवाले किया गया है। आज एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए एसपी अध्यक्ष ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे थे कि मेरे संबंध डकैतों से हैं। मुलायम ने कहा कि यह सच है कि मैं एक बार चुपचाप एक डकैत से मिला था और मैंने उन्हें गलत रास्ता छोड़ने के लिए कहा था। मुलायम ने कहा कि कई लोगों ने डकैती का रास्ता छोड़ा और आगरा में उन्होंने बड़े पैमाने पर डकैतों को सरेंडर भी करवाया था। ऐसा कहा गया जितने बड़े हिंदुस्तान के डकैत उनकी टीम में हमें छबराव की टीम में है, माधव सिंह की टीम में है, फूला देवी के साथ उसको जोड़ दिया। कोई भी उस वक्त हिंदुस्तान ने जितने कुख्यात डकैत उनसे जोड़ दिया, लेकिन हमने कोशिश की और सच है कहीं चुपचाप किसी हमने डकैत से मिली है। मैं कहीं गलत रास्ता छोड़ा तो मेरे कहने से कई ने गलत रास्ता छोड़ा और जयप्रकाश जी ने जब आगरा में सरेंडर करवाया डकैतों को बहुत बड़ा काम किया। तो इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने सीएम अखिलेश यादव पर भी खुलकर एक तरीके से अपनी बातें रखी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब चुनाव हुए थे तो जनता ने मेरे नाम पर वोट दिया था, लेकिन जब हमने अखिलेश को सीएम बना दिया तो 15 से 20 दिन कैसे गुजरे ये मैं ही जानता हूँ। लोगों को मीटिंग कर समझाया गया कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता तो जनता से नहीं मिल पाता और हम सरकार पर नियंत्रण रखेंगे, कोई गलत काम नहीं होने देंगे। अब देखो ये कहाँ पढ़ते लिखते तो बन गए चीफ मिनिस्टर, वो सोचता था ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। जब चुनाव हुआ तो जनता ने मेरे नाम पर बोल दिया ये सही है, मुलायम सिंह बनेंगे चीफ मिनिस्टर। और जब मैंने अखिलेश को बना दिया तो 15-20 दिन तो हम ही जानते क्या जनता को ना। कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला। साध्वी ने कहा कि जब कोर्ट ने उन्हें उज्जैन जाने के लिए आदेश दे दिया था फिर राज्य सरकार ने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो 2 साल से कैंसर से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में वो आमरण अनशन नहीं करती है।
लेकिन सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो सरकार के खिलाफ मानवाधिकार आयोग भी जाएंगी और इसका जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान को देना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी उन्होंने जो मेरे अधिकारों का हनन किया है, मैं इसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग में भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो कष्ट हो रहा है, आज तक मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मुझे इतना ज्यादा तकलीफ है, मैं 2 वर्षों से हॉस्पिटल में हूं, क्योंकि हर पल मैं बीमार रहती हूं, इसके कारण मेरी स्थिति बिल्कुल अमरण अनशन की करने की नहीं थी, इन्होंने मजबूर किया, इसके कारण जो कष्ट हुआ इसका भुगतान शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा। और इधर साल 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी कांड के मुख्य आरोपी फारूक मोहम्मद भाना को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। फारूक भाना पिछले 14 सालों से फरार चल रहा था। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक फारूक भाना गोधरा कांड के मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। एटीएस के मुताबिक जब ये घटना हुई, उस वक्त भाना गोधरा में कॉर्पोरेटर था। गोधरा कार्नेज केस माना जाता है, इनमें 59 लोगों की मृत्यु हुई थी जो की कॉन्स्पायरेटर थे। इनमें अभी जो आरोपी फारूक भाना नाम का आरोपी जो पकड़ा गया है, इनका नाम था 14 साल के अंदर, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन, पहले भी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ही था, तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था तब ये S6 कोच जलाने के बाद ये और सलीम पानवाला दोनों गोधरा छोड़ के बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट काम कर लेता था वो। 4-5 बार वो गोधरा आया गया था और ये हमें जब माहिती मिली तो हमने ये वॉच रख के इनको पकड़ा लिया गया। और उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि इस गिरफ्तारी पर कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। Well, he will be subjected to the process of law. If he has been declared as a proclaimed offender by the court, if at all he has been declared, then he would have to be charge sheeted and a fresh trial would have to be held qua him. So therefore, if at all there is an arrest, that arrest will ultimately have to be followed up by a proper legal procedure. और अब गोधरा केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। फारूक मोहम्मद भाना इस कांड का मुख्य आरोपी था और इसके बाद पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में इस कांड के 107 आरोपी थे, जिसमें से 5 की जांच के दौरान मौत हो गई थी, जबकि 8 अन्य आरोपी नाबालिग थे। इनमें से कुल 94 आरोपी बनाए गए, जिसमें भाना मुख्य आरोपी था। और करते हैं कुछ और खबरों का। पनामा पेपर लीक मामले में आयकर विभाग ने गुजरात के 19 लोगों को नोटिस जारी किया। इन लोगों को नोटिस जारी करके 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कई लोगों के पास बेनामी कंपनियां भी हो सकती हैं, जिनके जरिए ये पैसा विदेश भेजा गया है। गौरतलब है कि पनामा की लॉ फर्म पर अब टैक्स हैवन देशों में फर्जी कंपनियां खोलकर अरबों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और इसके जरिए यह भारत के कई लोगों पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो अगर पनामा लीक से जुड़ी कुछ अहम बातों का जिक्र करें तो इसमें मोसैक पनामा की लॉ फर्म है और मोसैक टैक्स हैवन देशों में कंपनियां खुलवाती थी। 72 वर्तमान और पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी इस कंपनी में शामिल हैं। लिस्ट में कई पूर्व तानाशाहों के नाम भी शामिल हैं। तो टैक्स हैवन देशों में टैक्स रूल्स काफी आसान है और इन देशों में क्लाइंट्स की पहचान का खुलासा नहीं होता है। पनामा में करीब 3.5 लाख सीक्रेट इंटरनेशनल कंपनियां हैं। पनामा पेपर के बाद सरकार ने मल्टी एजेंसी का गठन किया। पनामा पेपर लीक मामले में भारत के कई बड़े लोगों का नाम भी शामिल है। आरोपों के बाद मोसैक के खिलाफ भी अब जांच की जा रही है।